स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके YouTube चैनल SSC मेंट पे। तो अभी आज 12 तारीख है, आपको पता है 12 तारीख की अपडेट है, अभी अपडेट आई है थोड़ी देर पहले। तो उसमें कहा गया है कि जो RRB NTPC की जो वैकेंसी है उसको रिवाइज कर दिया गया है। आपको भी पता है, चाहे आप UPSI में एग्ज़ाम दे रहे हैं या NTPC हो गया या SSC का कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो जो वैकेंसी आती है वो टेंटेटिव आती है। तो उसके बाद क्या होता है, जब रिजल्ट रिजल्ट आने वाला होता है ना, उसके पहले वैकेंसी को रिवाइज किया जाता है। या वैकेंसी घट सकती है या बढ़ सकती है, आपके नोटिफिकेशन में वो चीज़ें मेंशन की गई होती है। इस चीज़ों को हम 1 से 2 मिनट में आपको डिस्कस करेंगे, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया जाता है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि कोई वीडियो अपडेट मिस ना हो। थैंक यू। आइए हम देखते हैं क्या है इसमें कहा गया है कि आपका जो इंटर्न ऑफ द नोटिस 10/5/2019 को जो आया था, द रिविजन ऑफ वैकेंसी CEN 01/2019 यानी NTPC का जो वैकेंसी था उसमें रिवाइज कर दिया गया है। नाउ द वैकेंसी आई रिवाइज फर्दर इन द टर्म ऑफ पैरा 1.01 डिटेल ऑफ, यहाँ पे आपको चीज देखी है तो ये नंबर 2 जो पॉइंट है उसको ध्यान से देख लीजिए। एक सर्विसमैन के बारे में रिविजन किया गया है और सारे वैकेंसीज को यानी EWS में कितना है सारी चीज़ें वो आपको जोन वाइज यहाँ पे डिटेल में दे दी गई है। एक एक पढ़ने से मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पढ़ूँ कि यहाँ पे इतना वैकेंसी है। इसमें ज़्यादा वीडियो लंबा भी होगा और आपका टाइम भी नुकसान होगा, लेकिन इस सारी PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं और डिटेल में सारी चीज़ों को, हर एक जोन की चीज़ें को आप देख सकते हैं। तो 1 से 1.5 मिनट में आपको ये चीज़ें इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी, तो बाकी आप चीज़ों को वहाँ देख सकते हैं। होप करेंगे ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। बाय बाय, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।